पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन, सौरभ शुक्ला को लेकर रेड सिरकी 100 करोड़ फिल्म देने वाले लेखक राजकुमार गुप्ता इन दिनों अर्जुन कपूर को लेकर इंडियाज मोस्ट वांटेड नामक फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी अगली फिल्म की पटकथा पर काम शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार गुप्ता की यह फिल्म रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक की जिंदगी पर होगी, जिन्हें भारत सरकार ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। वहीं कहा जा रहा है कि राजकुमार गुप्ता पहले इस फिल्म को अर्जुन कपूर के साथ बनाने वाले थे, जो उनकी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड में काम कर रहे हैं। लेकिन अब डेक्कन क्रॉनिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस दौड़ में ऋतिक रोशन का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिल्म से जुड़े सूत्रों में डेक्कन क्रॉनिक्स को बताया है कि जब भी निर्देशक किसी कलाकार से मिलता है तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। राजकुमार गुप्ता इस समय अपनी नई फिल्म की पटकथा को पूरा करने में लगे हैं, साथ ही वे अपनी हालिया फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड को प्रदर्शित करने की तैयारियां में भी हैं। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए भी किसी अभिनेता को साइन नहीं किया। जिस अभिनेता को वो लेना चाहते हैं उस अभिनेता की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही राजकुमार गुप्ता अपनी पटकथा पूरा कर लेंगे वैसे अभिनेता से मिलेंगे और फिर चीज़ें फाइनल कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये काफ़ी शानदार कहानी होने वाली है, ये एक रॉ एजेंट की कहानी होने वाली है और ऋतिक रोशन इसमें जैसे ही फाइनल होते हैं तो वैसे ये फिल्म सुपर हिट का तबका अपने आप पालेगी, क्योंकि ऋतिक रोशन इस तरीके के रोल में काफ़ी जचते हैं। आपको बता दें कि लास्ट टाइम जो मूवी आई थी बैंग बैंग, उसके अंदर भी ऋतिक रोशन इस तरीके का ही रोल निभाते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं द ब्लैक टाइगर के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।